Hello students, this is your marigold book, your English book, and today we will study unit 1st, lesson 2. Lesson 2 is three little pigs, जो होते हैं, everybody knows, आप भी जानते हैं, pigs. पिग्स इज अ एनिमल, जो पिग होते हैं वो एनिमल होते हैं. तो थ्री लिटिल पिग्स, लिसन एंड एन्जॉय दिस स्टोरी. लिसन सुनिए एंड एन्जॉय और आनंद लीजिए दिस स्टोरी, इस कहानी का. इस कहानी को सुनिए और इसका आनंद लीजिए. वंस, एक बार, देयर वर थ्री लिटिल पिग्स, एक बार तीन छोटे पिग्स थे. सोनू मोनू एंड गोनू, सोनू मोनू और गोनू थ्री लिटिल पिग्स थे. सोनू लिव्ड, सोनू रहता था इन ए हाउस, एक घर में, ऑफ अस्ट्रो. अस्ट्रो का घर था उसका. अस्ट्रो क्या होता है बेटा? अस्ट्रो मीन्स जो पुआल होती है, पुराल का, फूस का बना हुआ घर था उसका, अस्ट्रो का बना हुआ घर था. मोनू लिव्ड, मोनू रहता था इन ए हाउस ऑफ स्टिक्स. मोनू स्टिक्स, लकड़ियों के बने हुए घर में रहता था. एंड गोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ ब्रिक्स. और गोनू कहाँ रहता था? गोनू लिव्ड मीन्स रहता था हाउस, घर में, ऑफ ब्रिक्स, ईंट के, ईंटों से बने हुए घर में रहता था. ये हियर यू कैन सी दिस हाउस इज ऑफ स्ट्रो हाउस, स्टिक्स हाउस एंड ब्रिक्स हाउस. वन डे, एक दिन, ए बिग बैड वोल्फ केम टू सोनूज हाउस. एक दिन एक बड़ा, बिग मीन्स बड़ा, बैड खराब, गंदे टाइप का, जो अच्छा ना हो. वोल्फ भेड़िया केम आया टू सोनूज हाउस, सोनू के घर पर आया. ही सैड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ. हफ एंड पफ, मैं खांसूंगा या खांसी करूंगा, उससे मेरी जो हवा निकलेगी मुँह से, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. जो ब्लो होगी, हवा निकलेगी यानी फूंक, उससे जो निकलेगी उससे, योर हाउस डाउन, आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, मैं तुम्हारे घर को नीचे गिरा दूंगा फूंक मार के. सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड, इसलिए उसने हफ्ड और पफ्ड किया यानी उसने खांसा, खंखारा वो. एंड ही ब्लू द हाउस डाउन, देखिए यहाँ पे ब्लो है, हियर दिस इज ब्लो एंड दिस इज ब्लू. ब्लो इज फर्स्ट फॉर्म एंड ब्लू इज सेकंड फॉर्म. तो उसने घर को फूंक मार के, हफड़ एंड पफड़ करके नीचे गिरा दिया. सोनू रैन टू मोनूज हाउस, सोनू रैन मैंने दौड़ा टू मोनूज हाउस, मोनू के घर की तरफ दौड़ा. द वोल्फ, भेड़िया, केम टू मोनूज हाउस, मोनू के घर पर आ गया. ही सेड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, मैं तुम्हारे घर को हफ और पफ करके नीचे गिरा दूंगा. सो ही हफ एंड पफ, हफ और पफ किया उसने. एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन, और उसने मोनू के हाउस को गिरा दिया. यू कैन सी हियर दिस इज सोनूज हाउस, उसने सोनू के हाउस को हफ एंड पफ करके गिरा दिया. एंड दिस इज मोनूज हाउस, उसने मोनू के हाउस को हफ एंड पफ करके गिरा दिया. सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस, सोनू और मोनू गोनू के घर दौड़े. द वोल्फ केम टू गोनूज हाउस, वो गोनू के घर आ गया. ही सेड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, मैं हफ और पफ करके तुम्हारे घर को नीचे गिरा दूंगा. सो ही हफड एंड ही पफड, उसने हफ और पफ किया. बट ही कुड नॉट ब्लो, वह नहीं गिरा सका द ब्रिक हाउस डाउन, ईंट के बने हुए घर को नीचे नहीं गिरा सका. इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था. देखो, यू कैन सी हियर ही इज हफिंग एंड पफिंग बट ही कुड नॉट ब्लो द हाउस डाउन. द वोल्फ वेंट अवे, वोल्फ वहाँ से वेंट अवे, वेंट अवे मीन्स चला गया. एंड सोनू मोनू एंड गोनू, सोनू मोनू और गोनू लिव्ड हैप्पीली, खुशी से रहते थे टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस. टुगेदर मीन्स साथ साथ, इन द रेड ब्रिक हाउस, लाल ईंटों से बने हुए उस घर में मोनू, सोनू मोनू और गोनू खुशी से रहने लगे या रहते थे. यू विल
read this lesson again with the help of this video. Thank you.